हेलो एवरीवन वेलकम टू योर चैनल अनलॉक बायोलॉजी विद डॉक्टर आर अनलॉक्ट इन अ वेरी वेरी इजी वे यस स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एनसीआरटी बायोलॉजी के इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के सारे टॉपिक्स ये चैनल पे कवर करने वाले हैं अलोंग विथ एनसीआरटी मार्किंग्स लाइन बाई लाइन बिकॉज वी आर कवरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक्स मतलब जो भी हम पढ़ेंगे पहले बेसिक्स से चालू करेंगे इसके लिए एट नाइन्थ टेंथ के बच्चे भी बेटा इसको देख सकते हैं नीट के वी पी वाई के लिए तो बहुत यूजफुल है प्लस तुम्हारा एम एच सी टी हो गया सी बी एस सी बोर्ड्स एच एस सी बोर्ड्स एनी वन हू वॉन्ट्स टू क्लियर द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एनी टॉपिक ऑफ इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड एनसीआर टी बायोलॉजी बिकॉज आई एम डूंग दी मार्किंग ऑफ एनसीआरटी मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप लोग एनसीआर टी टेक्सट बुक साथ में लेके ही ये वीडियोज देखे सो so दैट जब भी जब भी मैं मार्किंग करा रही हूँ अब साइमिलटेनियसली मार्किंग कर ले ठीक है अब एनसीआरटी लाइन बाय लाइन समझने के लिए तुम्हें लगते हैं एक सिंप्लीफाइड वीडियो या सिंप्लीफाइड नोट्स आई मीन टू से सो ये जो सिंप्लीफाइड नोट्स है उसी से मैं ये वीडियोस में पढ़ाने वाली हूँ तो वो नोट्स मेरे खुद के होंगे उसमें मैं कुछ मार्किंग्स करूंगी पढ़ाते वक्त ठीक है तो वो सारे के सारे नोट्स आप लोग अलोंग विद द एनसीआर टी मार्किंग वाला पी डी एफ ये दोनों ही पी डी एफ्स आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है ठीक है सो जस्ट गो टू द लिंक ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फिर वीडियोज़ देख लो पी डी एफ डाउनलोड कर लो ट्राई करो उसको अच्छे से और समझने की एंड देन वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सॉल्व सम फोर फाइव एम सी क्यू रिलेटेड टू द वीडियो जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर सॉल्व करा रही हूँ ठीक है सो आई थिंक दैट्स ऑल यू नीड राइट दिस इज लाइक बस हो गया इतना कर लोगे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम इलेवन ट्वेल्थ के जो लेवल की रहेगी वो आप क्लियर कर पाओगे ठीक है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट इस नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि हमारा इलेवेंथ वीडियो है और अगर हो सके तो पहले के वीडियोज़ देख लेना ताकि थोड़ा और कनेक्टेड फील करूँ ये सारे वीडियोज़ के साथ ठीक है एंड वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विथ वन मोर स्पेशाइज कनेक्टिव टिश्यू एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं काटलीज और एक स्पेशलाइज टिश्यू आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज बोन बोन सुनते ही ध्यान में क्या आ जाता है हड्डिया हड्डिया मतलब मुन्ना बाई का डायलॉग अगर मुन्ना बाई वाला जो मूवी देखा है तुमने मुन्ना बाई एम बी बी एस संजय दत्त पूछता है सर्किट कितनी हड्डियाँ होती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में है ना सो वॉट डज द आंसर कम्स टू जीरो सिक्स है ना सो so दो सौ छः हड्डियाँ होती हैं एंड देन सर्किट गिव्स आंसर भाई तोड़ते वक्त तो हम इसको सोचते नहीं है सो टाइप ऑफ जो लोग ने भी ये मूवी देखी है वो कनेक्ट कर लेंगे सो so 206 सौ छः हड्डियाँ है बॉडी में एंड ये दो सौ छ हड्डियां जो है वो हम अच्छे से याद करने वाले पता है एक एक बोन का नाम हम लोग याद करने वाले हैं येस बट नॉट इन दिस टॉपिक इन ह्यूमन फिजियोलॉजी लोकोमोशनल मूवमेंट में हम लोग याद करने वाले और बहुत ही फन वे से याद करेंगे उसको ठीक है सो so, बोन के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन या बेसिक चीज है ये चैप्टर में जान लो सबसे हार्डेस्ट सबसे टफेस्ट जो टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू दैट इज नथिंग बट बोन ये बोन कार्ट की तरह फ्लेक्सिबल नहीं होता है सो इट इज नॉन प्लाइबल एंड इट इज हार्डेस्ट कार्टिलेज से रिलेटेड कॉन्ड्रो वर्ड वॉज रिलेटेड टू कार्टिलेज कॉन्ड्रो वर्ड आया मतलब समझ जाने का कि हम कार्टिलेज के बारे में बात कर रहे हैं वैसे बोन के लिए भी एक वर्ड है सो ऑस्टिओ विथियो वर्ड इज रिलेटेड टू बोन जी टू जीरो ऑल्सो मेक्स द एंडोस्केलेटिन दैट इज द इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर जस्ट लाइक कार्टलेज ना कमिंग टू फ्यू मोर फैक्ट्स और फ्यू मोर थिंग्स अबाउट द बोन अगर बोन की हम स्ट्रक्चर देखें बेटा हिस्टोलॉजी नहीं मैं टिश्यूज तक अब तक नहीं पहुंची हूँ मैं एक स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ स्ट्रक्चर मतलब मान लो कि ये पेन है हड्डी है है ना तो अब मैं हड्डी को ऐसे ये देख रही हूँ अच्छे से अब ये हड्डी को जब मैं देख रही हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें दिख रही है मुझे इसकी बाहर की कवरिंग दिख रही है फिर मैंने बाहर की कवरिंग को निकाला तो मुझे एक और कवरिंग दिख रही है ओके सो दैट कवरिंग्स का नाम क्या है वो हम लोग पहले देखते हैं जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर एवरी वन दिस इज बोन ओके बोन का जो बाहर का कवरिंग है बाहर मतलब पेरी पेरी मीन्स पेरी फेरी करेक्ट किया है बाउंड्री ऑस्टियम का मीनिंग होता है अगेन आई एम राइटिंग ह्यर बोन बिकॉज ऑस्टियम वर्ड इज रिलेटेड टू बोन ठीक है सो पेरी ऑस्टियम मीन्स वॉट द आउटर कवरिंग ऑफ द बोन ओके okay. जैसे हमने आउटर कवरिंग ऑफ द बोन निकाला व्हाट यू गेट इंटरनल लाइनिंग इंटरनल लाइनिंग इज ऑफ एंडो ऑस्टियम द वर्ड एंडो मीन्स अगेन वॉट इनर एंड ऑस्टियम मीन्स वॉट बोन सो इनर लाइनिंग ऑफ द बोन्स सी ओवर हियर आउटर कवरिंग इज पेरिओस्टियम इंटरनली लाइन्ड बाय एंडो ऑस्टियम वही वाह समझ आ रहा है सो so, थोड़े वर्ड्स जो बायोलॉजी से रिलेटेड है वो तुम्हें अच्छे से समझ में आने चाहिए ठीक है अब ध्यान दो एक और बात पे जो मैंने करवाया है क्या कि कनेक्टिव टिश्यू के कितने कॉम्पोनेंट्स हैं अब तक तो मैं नींद में से भी उठाऊ ना बच्चों तो भी बोलना पड़ेगा ये बात कि तीन कॉम्पोनेंट से बनता है सेल्स प्लस एबेंडेंट मैट्रिक्स बहुत सारा मैट्रिक्स प्लस फाइबर्स है ना सो so सेल्स की हम बात करें तो सेल्स कौन से कौन से है देखो एक होते हैं जो सिक्रीट करते हैं मैट्रिक्स मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं मतलब ब्लास्ट शुड बी द सफिक्स क्योंकि ये बोन का मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं हम बोलेंगे उसको ऑस्टियोब्लास्ट जिसको हम बोलते हैं बोन प्रोड्यूसिंग सेल बोन सेल को हम बोलेंगे मेच्योर सेल को बोलेंगे ऑस्टियोसाइट साइट का मीनिंग होता है सेल सो वर्ड इज रिलेटेड टू बोन

वाइट फाइबर इफ यू रिमेंबर दो टाइप के फाइबर होते हैं व्हाइट एंड येल्लो व्हाइट फाइबर्स गिव्स वॉट स्ट्रेंथ वाइट फाइबर्स गिव्स वॉट रिजिडिटी फर्मनेस टफनेस जहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं चाहिए वहां पर होंगे व्हाइट फाइबर्स और जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा चाहिए वहां पर होंगे येल्लो फाइबर्स ठीक है यहाँ पे हमें वाइट फाइबर्स है स्ट्रेंथ है ट है रिजिड है ओके okay, सो so, कौन से फाइबर्स है ऑस्टि बनाते हैं ऑस्टियोसाइट जो बोन के मेच्योर सेल्स है एंड एक और सेल जरा सा याद रख लेना इफ पॉसिबल ओके ऑस्टिओ क्लास्ट क्लास्ट जब सफिक्स लगता है तो ये होते हैं बोन को खाने वाले बोन ईटिंग सेल्स ठीक है सो so, एक प्रोड्यूस करता है एक ईट करता है रिज्जॉर्ब करता है डिटोरिएट करता है मैट्रिक्स को दैट आर ऑस्टियोक्लास्ट क्लास्ट नाउ कमिंग टू मैट्रिक्स 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 कैल्शियम खाओ दूध में कैल्शियम बॉनवेटा में कैल्शियम हॉर्लिक्स में कैल्शियम ये सारे कैल्शियम किसके लिए हड्डियां मजबूत करने के लिए इसका मतलब बोन के मैट्रिक्स का सबसे मेजर कॉम्पोनेंट कौन सा है कैल्शियम सो so, कैल्शियम इज द मेजर कॉम्पोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रॉक्सी अपेटाइट क्रिस्टल इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी अपेटाइट क्रिस्टल्स सो मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ऑसिन और ये ऑसिन मेजरली किससे बना है कैल्शियम सॉल्ट से इससे रिलेटेड एक ब्यूटीफुल थोड़ा डिटेलिंग वाला एमसी क्यू है जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे सॉल्व कराया है वहाँ पर थोड़ा तुम्हें और ज्यादा डिटेल पता चलेगा नॉट रिक्वायर्ड एज सच जस्ट नो है कैल्शियम सोल्ट दैट इज ऑल्सो इनफ बट इफ यू वॉन्ट टू सोल्व एम सी क्यू रिलेटेड टू दिस टेलीग्राम चैनल पे मैं करा रही हूं ठीक है फाइबर्स फाइबर्स कौन से है सो डन connective tissue cells matrix fibers okay now let's move on to the parts of बोन्स है ना सो वट वी हैव डन इज वी हैव स्टडीड सम इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू बोन देन वी सॉ दैट बोन का स्ट्रक्चर कैसा है हाउ द स्ट्रक्चर इज बिकॉज बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू वी हैव टू टॉक अबाउट दी बोन सेल्स वी हैव टू टॉक अवर दी बोन मैट्रिक्स एंड वी हैव टू टॉक अवर दी बोन फाइबर्स दैट ऑल्सो वी हैव डन प्रॉपरली ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ बोन्स तो बेटा अगर मैंने तुम्हारे हाथ में एक लॉन्ग बोन दे दिया ना वॉट इज अ लॉन्ग बोन द बोन ऑफ हैंड्स लेग्स स्पेशली फोर लिम्स फोर लिम्स एंड हाइड लिम्स ठीक है सो लिम्स दोनों आर्म का बोन फोर आर्म का थार लॉन्ग बोन्स ठीक है अब ये बोन जब मैं तुम्हारे हाथ में दे दू तो ये वही बोन है अपना है ना सो so, ये एंड जो बोन्स के जो एंड होते ना एंड ऑफ बोन्स दिस एंड ये एंड बन जाते हैं एपीफाइसिस दोनों एंड एंड यह बीच को बोलते हैं शाफ्ट वो बन जाता है डायाफाइसिस E for ends. Okay. Ends ban jate hai, epiphysis. Even this is the ends. And the shaft is making what? The diaphysis. So if I talk about the parts of bone, then you have two things: Epiphysis and Diaphysis. Epiphysis is nothing but makes up the एंड ऑफ लॉन्ग एंड डायफाइसिस इज नथिंग बट दॉन्ट्रक्र बट हम कौन से चैप्टर पे है भूलना नहीं हम चैप्टर पे है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग को पढ़ना है टिश्यूज टिश्यू पढ़ने के लिए हमें देखनी पड़ती है माइक्रोस्कोपिक विजन हमने देखना पड़ता है हिस्टोलॉजी ठीक है तो बेटा क्या हुआ ना जैसे ही हम थोड़ा माइक्रोस्कोपिकली इसको देखने गए तो हमें पता चला कि एपीफाइसिस देखो बेटा ऐसे ऐसा दिखता है कुछ और मैग्निफाई करती हूं तो बहुत अच्छे से दिखेगा अभी ये तुम्हारा एंड था ये एंड था और ये शाफ्ट था तो बेटा अगर तुम देखोगे तो एंड्स पे जो बोन है ना वो थोड़ा पोरस दिखता है तुम्हें

एंड्स में जो बोन दिखा था वो एक अलग टाइप का बोन था जिसको हमने बोल दिया था स्पॉन्जी बोन कौन सा बोन स्पॉन्जी बोन एंड्स में जो बोन था उसको हमने कौन सा बोन बोल दिया था स्पॉन्जी बोन क्योंकि वो स्पॉन्ज जैसा दिख रहा था और जो शाफ्ट में बोन था उसको हमने बोल दिया था कॉम्पैक्ट बोन बिकॉज वो कॉम्पैक्ट दिख रहा था ठीक है तो रीजन क्या था ये चीज का कि ये क्यों स्पंज uh, जैसा दिख रहा है और ये क्यों कॉम्पैक्ट दिख रहा है अब सुनना ओके इन द स्पन्जी बोन इन द स्पॉन्जी बोन यू हैव कैसा हो गया कि छोटे 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 बोन के पीसेस है यू कैन सी देर आर स्मॉल 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 पीसेस ऑफ द बोन स्मॉल 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 पीसेस ऑफ द बोन एंड उसको ना रेंडमली अरेन्ज किया है जैसे कि मान लो कि अगर मैं तुम्हें तो बोलूँ चलो अपनी बैग भरो है ना हमें बाहर जाना है और दो बच्चे हैं एक भरता है बैग एकदम से बोलो बोता है ना सारे कपड़े ऐसे लेता है और बस एक कपड़ा डाला दूसरा डाला तीसरा डाला बिना घड़ी किए बिना ऑर्गेनाइज किए बिल्कुल बस ऐसे ही बस डम्प कर दिया तो क्या होता है बीच बीच में बीच बीच में जगह रह जाती है है ना और एक है जो एकदम कॉम्पैक्टली घड़ी करके एक एक जगह को यूटिलाइज कर रहा है एकदम ऑर्गेनाइज्ड फैशन में चीजों को पैक कर रहा है बस यही फर्क है स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट बोन स्पॉन्जी बोन में छोटे 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 जो बोन होते हैं वो ऐसे इरेग्यूलरली अरेजड है अरेन्ज है जिसकी वजह से बीच में जगह हो जाती है ओके okay? एंड उस स्पेसेस की वजह से कौन सा लुक आता है एक स्पॉन्ज जैसा लुक आ जाता है ठीक है सो पोरस लुक आ जाता है यू कैन सी हिस्सर मैट्रिक्स इज वेब लाइक स्पाइडर का वेब होता है स्पाइडर का जाल कैसा रहता है वैसा कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ बोन्स और इसका नाम क्या है ट्रेबिक्यूले क्या बोलते हैं इसको ट्रेबिक्यूले दे आर अरेन्ज इरे रेगुलरली लिविंग स्पेसिस इन बिटवीन ठीक है ये बन जाता है एपीफाइसिस बन जाता है एपीफाइसिस ओके कमिंग टू द कॉम्पैक्ट बोन मैट्रिक्स इज हार्ड सॉलिड डेंस एंड लिवस नो स्पेसिस प्रॉपरली एक अरेन्ज एक ऑर्गेनाइज फैशन है एक सिस्टम में है वो ठीक है एंड दैट फॉर्म्स डायाफाइसिस ठीक है अब सुनो ये जो एपिफाइसिस और ये जो डायाफाइसिस है दोनों ही एनक्लोज करते हैं एक कैविटी को अब सुनो कैसे सपोज ये यू हैव वन पेन एंड रिफिल्ड सुन टू दिस इज एंड ओपन दिस फॉर यू ओके दिस इज द पेन अब जैसे ही मैंने ये ओपन किया कैन आई सी दैट दिस पर्टिकुलर बोन इफ दिस इज द बोन दिस इज एनक्लोजिंग अ कैविटी इन साइड अंदर एक कैविटी एनक्लोज करते हैं ओके नाउ सपोज इफ दिस इज द कैविटी इफ दिस इज द कैविटी तो हमने इसको तो ये हो गया बोन ये क्या बन गया बोन सो सपोज इफ दिस इज द के बीच में इज इज अ एनक्लोजिंग ऑफ द कैविटी इज अ कैविटी विच इज बिंग एनक्लोज दिस कैविटी इज कॉल्ड एज बोन मैरो इज कॉल्ड एज बोन मैरो इसको क्या बोलते बेटा बोन मैरो ओके सो स्पॉन्जी बोन जहां पे है वहां पे एनक्लोज हो रहा है रेड बोन मैरो रेड बोन मैरो विच बोन मैरो रेड बोन मैरो बेटा बोन मैरो का मीनिंग होता है अ कैविटी अ स्पेस और कॉम्पैक्ट बोन जिसको एनक्लोज कर रहा है उसको बोलते हैं येल्लो बोन मैरो दोनों के भी अपने अपने फंक्शन है ठीक है मैं फिर से रिपीट करती हूं आप लोगों के लिए लॉन्ग बोन मैंने आपके हाथ में दिया प्लीज पे अटेंशन लॉन्ग बोन मैंने आपके हाथ में दिया दिख रहा है एंड ऑफ दी लॉन्ग बोन्स एंड ऑफ दी लॉन्ग बोन्स इज कॉल्ड एज एपीफाइसिस बीच का जो पार्ट है इट इज कॉल्ड एज ओके एपीफाइसिस के अंदर एक कैविटी बनी है ये एपिफाइसिस की जो कैविटी है उसको हमने बोल दिया रेड बोन मैरो और डायाफाइसिस की जो कैविटी है उसको हमने बोल दिया येल्लो बोन मैरो रेड और येल्लो में जो फर्क है वो क्या है रेड बोन मैरो में बनते हैं ब्लड के सेल्स ओके okay, इसके लिए रेड बोन मैरो और येल्लो बोन मैरो स्टोर करता है मतलब वो जो कैविटी है या वो जो स्पेस है वो स्टोर करती है फैट इसके लिए उसको बोला है येल्लो बोन मैरो ठीक है ब्लड के लिए वर्ड यूज होता है हीम इसके लिए हम बोलते हैं कि रेड बोन मैरो इज अ साइट ऑफ हीमोपोइसिस पॉइसिस वॉट इज हीमो हीम मीन्स रिलेटेड टू ब्लड एंड पॉइसिस means generation or production it is going to produce the red bone uh, sorry it is going to produce the blood cells and that is why that is the site of what that is the site of hemopoiesis यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है आई टोल्ड यू कि सब कुछ रैंडमली अरेंज है बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है बिल्कुल भी सिस्टमैटिक नहीं है एंड दैट इज द रीजन कैसा लुक आ रहा है बेटा स्पॉन्जी लुक आ रहा है मतलब उस सिस्टम को हम बोलते हैं हेवरशिन सिस्टम वो यहाँ पे नहीं है नो no, इसके लिए स्पॉन्जी ओके okay? कॉम्पैक्ट बहुत ही सिस्टमैटिक है इट इज वेरी वेरी सिस्टमैटिक एंड इट हैज अ सिस्टम विच इज कॉल्ड एज सिस्टम. नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस सिस्टम. इन डिटेल बट इट इज वेरी वेरी इजी वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ठीक है तो स्पॉन्जी बोन को हम जब देखेंगे तो छोटे छोटे टुकड़े दिखेंगे बोन के जिसको हमने बोल दिया ट्रेपिक्यूले जिसकी वजह से बीच में रह जाती है स्पेसिस जिसकी वजह से अपियरेंस है स्पॉन्जी और ये तुम्हें सिर्फ एंड्स में दिखेगा और एंड्स को हम क्या बोलेंगे डायाफाइस सॉरी एंड्स को हम क्या बोलेंगे एपीफाइसिस सो तो एपीफाइसिस में हमें क्या दिख रहा है बेटा वी आर सींग वॉट वी आर सीइंग अ स्पॉन्ज जी बोन वी सी बोन जी बोन एंड शाफ्ट में तुम्हें कौन सा बोन दिख रहा है बेटा कॉम्पैक्ट बोन कॉम्पैक्ट बोन में हेवरशाइन सिस्टम है नाउ यू विल से मैम क्या बोल रहे हो हेवरशियन सिस्टम समझा दो सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ हेवरशियन सिस्टम ठीक है अब वापस से हमने कॉम्पैक्ट बोन को वी हैव सीन द कॉम्पैक्ट बोन अंडर द माइक्रोस्कोप इन डिटेल और माइक्रोस्कोपिक विजन में देखा तो वहां पे एक सिस्टम होती है जिसको बोलते हैं हेवरशाइन सिस्टम हेवरशाइन सिस्टम लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस हेवरशाइन सिस्टम सो इन द हिस्टोलॉजी ऑफ द बोन वी आर गोइंग टू डू हेवरशाइन सिस्टम एंड हेवरशाइन सिस्टम इज आल्सो नोन एज ऑस्टियन ऑस्टियन is the बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन ऑफ कॉम्पैक्ट बोन अंडरस्टैंड ना ये सिर्फ तुम्हें कॉम्पैक्ट बोन में ही दिखेगा ये क्या है समझ लो जैसे सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी वैसे कॉम्पैक्ट बोन जो होता है उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है हेवरशन सिस्टम ठीक है तो जब हमने कॉम्पैक्ट बोन को माइक्रोस्कोपिक विजन में दिखा तो हमें कुछ ऐसा दिखा ऑब्जर्व हा सपोज आई एम लुकिंग एट दी माइक्रोस्कोप एंड आई कैन सी समथिंग लाइक दिस एक सेंटर में एक कैनाल दिखता है राउंड 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 उसके राउंड स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कॉम्पैक्ट बोन हिस्टोलॉजी मतलब हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं टिश्यू लेवल पे देख रहे हैं उसको ठीक है वापस से मुझे एक सर्कल दिखता है उसके अराउंड ऐसे वापस से मुझे एक सर्कल दिखता है एंड लाइक दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स उसके अराउंड ऐसे, ऐसे ऐसी डिजाइन दिखती है मुझे वॉन्ट टू सी कैसी दिस टाइप ऑफ डिजाइन आई कैन सी दिस इज द डिजाइन आई कैन सी ओके okay? तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई ये डिजाइन है क्या तो और अच्छे से समझते हैं फिर जब मैंने इस डिजाइन को डिटेल में देखा और जब मैंने इस एक सर्कल को नोटिस किया सिर्फ एक सर्कल को तो बेटा क्या होता है ध्यान से सुनो यहां पे होती है एक सेंटर में ऐसे कैनाल होती है ठीक है फिर उसके आजू बाजू ऐसे स्पेसिस होती हैं स्पेसिस को हमने कॉन्ट में क्या बोला बेटा ट द स्पेसिस एज वॉट लैक्यूने और लैक्यूना ठीक है अब स्पेसेस के अंदर मुझे दिखते हैं सेल्स और ये एक एक ऐसे सेल होते हैं क्योंकि बोन के सेल है हम इसको क्या बोलेंगे ऑस्टियोसाइट्स सो वी कॉल दिस एज ऑस्टियोसाइट पर ये सिर्फ एक ही सर्कल नहीं दिखता मुझे मुझे बहुत सारे सर्कल्स दिखते हैं सो आई कैन सी वन मोर अराउंड इट वन मोर राउंड so on and so forth I can just keep on seeing the rounds like this in between again I see this osteocytes अब एक single single ऐसे यहाँ पे पड़े हैं osteocytes है ना अब ये जो ये जो spaces हैं आपस में जुड़ी हुई है like this क्यों जुड़ी हुई है फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स फॉर न्यूट्रिशन एक्सचेंज ऐसे सब मटीरियल्स के लिए आपस में ऐसे जुड़ी हुई है साइट से इधर से जुड़ी हुई है दिस आर जस्ट कनेक्टेड टू ईचर ओके आपस में जुड़े हुए हैं नाउ दिस थिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द प्रोसेस इज कॉल्ड एज canaliculi it is called as what canaliculi ok canaliculi this process is called as what canaliculi <coughs> the center canal which i can see here this center canal is called as is called as Hevershine canal is called as Hevershine canal now see If you this, <coughs> इसको मैंने ऐसे आधा करके दिखाया हुआ है यह तुम्हारा ऐसे सेंट्रल केनाल ऐसे बन गया ठीक है उसके आजू बाजू यह सेंट्रल केनाल ठीक है सेंट्रल केनाल के अंदर तुम्हें एक नर्व दिखेगी एक आर्ट्री एक वेन वॉट इज आर्टरी एंड वेन ब्लड वेसल्स दिखेंगे ठीक है फिर यह स्पेसिस दिखते हैं लैक्यूना स्पेस उसके अंदर कौन सेल्स है यू कैन सी दो सेल्स Which are osteocytes, and you can see this processes. This processes are nothing but canaliculus. Okay? They are nothing but canaliculus, and these circles, these lines which you can see, they are called as lamellae. They are called as lamellae, that is, concentric circles. Okay, again, I'm repeating for you bone. एंडस ऑफ लॉन्ग बोन्स एपीफाइसिस सेंटर डायाफाइसिस एंडस बना है स्पॉन्जी बोन से सेंटर बना है कॉम्पैक्ट बोन से जिसको हम शाफ्ट भी बोलते हैं एंड्स जो है वो रेड बोन मैरो को होल्ड करेगा स्पॉन्जी है छोटे छोटे बोन्स साथ में आके स्पेसिस क्रिएट करके उसको स्पॉन्ज जैसा बनाते हैं एंड कमिंग टू द शाफ्ट कॉम्पैक्ट है क्यों कॉम्पैक्ट है क्योंकि जब हमने माइक्रोस्कोपिकली इसको देखा तो यहाँ पे एक सिस्टम दिखी जिसको हमने बोला हैवरशाइन सिस्टम और वो हैवरशाइन सिस्टम है क्या तो गोल 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 ऐसे कॉन्सेंट्रेट सर्कल्स हैं एक दो तीन चार ऐसे बहुत सारे कॉन्सेंट्रेट सर्कल हैं हमने एक कॉन्सेंट्रेट सर्कल को जब उठा के देखा तो एक यूनिट एक यूनिट जिसको हम हैवरशाइन सिस्टम बोलते हैं उसमें है एक सेंट्रल केनाल सेंट्रल किनार के अराउंड है कॉन्सेंट्रिक लैमिने वो लैमिने में है लैक्यूने स्पेसिस जिसके अंदर है सेल्स ऑस्टियोसाइट्स और, और ये आपस में जुड़े हुए कैनालिक्यूल से क्यों क्योंकि उनको आपस में न्यूट्रिशन और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है दिस इज हाउ आई कैन सी ऑब्जर्व यू कैन सी दिस वन सर्कल वन सर्कल यू केन सी वन मोर सर्कल यू केन सी वन मोर सर्कल कैसा दिखता है ये अगर मैं साइट से देखू तो ये मैं साइट से देखूँ तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखता है ये एक मेरा ट्यूब है दिस इज वन ट्यूब ऑफ एवरसाइन सिस्टम दिस इज वन मोर ट्यूब दिस इज वन मोर सोन एंड सो फोर्थ ठीक है अब अगर मैं और उसको अच्छे से करना चाहूँ तो यहां पर है सेंट्रल के नाम और उसके अराउंड ऐसे सर्कल्स हैं सेंट्रल केनाल एंड द सर्कल्स सेंट्रल केनाल एंड द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना अब ये सेंट्रल केनाल अगर मैं नीचे देखूं तो ये ऐसे ही दिखेगी ना मुझे यहाँ पे ऐसे लाइक दिस आई कैन सी तो बेटा ये एक केनाल एक सेंट्रल केनाल भी दूसरे सेंट्रल कैनाल से ऐसे जुड़ी हुई रहती हैं। द हेल्प ऑफ हॉरिजोटल कैनाल्स एंड इसको हम बोलते हैं वॉल्कमेन्स कैनाल एक सिस्ट एक ट्यूब दूसरे ट्यूब मतलब एक हेवरशाइन कैनाल दूसरे हेवरशाइन कैनाल से जुड़ी हुई रहती है ओके जब इसको मैंने ऊपर से टॉप व्यू से देखा तो ये मुझे कैसा दिखेगा इफ आई ऑब्जर्व ओनली दिस मच I can see one SA phenyate two. I know. We'll see this. When I observe this one, I can see one Haversian canal around it, lacunae and osteocytes. This way we are studying, okay? So, this is one structure. Can you see these horizontal canals? Jo canal ko dusre canal. I think the color is going a little same color, this pink one. Can you see? दिस वन दिज आर दॉरिजोंटल कैनाल जिसको तुम बोलते हो वॉल्फमेंस कैनाल ओके ना लेट इस्टैंड इन मोर डिटेल लेट इज सी इन मोर डिटेल हाउइट जो चीजें हमने अब तक सीखी वो डिटेल में अच्छे से करते हैं इन द हेवर शाइन सिस्टम इन देवर शाइन सिस्टम वॉट यू कैन सी इज यू कैन सी अंट्रल यू कैन सी अन्ट्रल है शाइन केनाल A central Haversian canal. Okay, then you can see in that canal you can see blood vessels, you can see nerves, you can see lymph vessels, everything which is passing through it. Okay, then these around the central Haversian canal arranged concentrically. Kya arranged concentrically? Osteocytes. कैनालिक्यूलाई कैनालीक्यूलाई इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिय एंड मेटाबॉलिक वेस्ट आजू बाजू मतलब हॉरिजोनटली जो कनेक्ट कर रहा है दे आर नथिंग बट वॉल्कमेंस कैनाल एंड दीज वर्कमेन्स के नाल आर कनेक्टिंग वेरियस हेवर शाइन सिस्टम्स टूगेदर आई वुड रिकमेंड की आप ये वीडियो एक और बार देखें तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा दैट वॉट इज अवर शाइन सिस्टम आई हेव गॉन आईव दिस इज अफाइड Uh, way how you should understand okay if possible draw that haversian canal and understand what i mean okay so this is how this is the bone that we have seen the ends are called as epiphysis the center is called as diaphysis diaphysis is my compact bone have compact bone ki histology de ki to outer covering ho gaya, periosteum then you have endosteum. you can see this one round you can see second round you can see third round like that three four सर्कल्स आर बिंग हाईलाइटेड सो ऐसे तुम्हें दिखेंगे एंड देन एंड देन इफ यू टेक एक पीस मतलब आधा टुकड़ा ऐसे तुमने देखा तो उसमें तुम्हें दिखते हैं सारे लैक क्यूना यू कैन सी कैनाली क्यूल यू कैन सी सेंट्रल कैनाल विच इज हैविंग नर्वस ब्लड वेसल्स लिम्फ वेसल्स आर्टरीज ऑल दो थिंग्स Then matrix, you can see. So, all those things you can see, lamellae, you can see osteocyte, which is lying inside the spaces. So, everything that we have studied up till now that is again represented in this slide. Okay. Now, what is the function of bone? Simple, provide support, provide shape and structure. That is why we are calling that it is giving what it is the endoskeleton. Endoskeleton ये फंक्शन में आ गया एट्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन व्हाट इज मूवमेंट वॉट इज द डिफरेंस लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्या डिफरेंस है बेटा लोकोमोशन इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूवमेंट तुम एक ही प्लेस पे कर सकते हो बट जब तुम अपनी प्लेस चेंज करते हो मतलब एक जगह से जब दूसरी जगह जा रहे हो तो उसको तुम बोलते हो लोकोमोशन ठीक है वॉट इज हिमोपॉइसिस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स ब्लड सेल फॉर्मेशन बेटा हिमोपॉइसिस कहाँ हो रही है बेटा कहाँ हो रही है येस इट हैपन्स इन रेड बोन मैरो It in red bone फिर हो जाती है वो कहां पे है? कौन कर रहे है Diophysis. Diophysis में कौन सा बोन है कॉम्पैक्ट बोन डायफाइसिस में कौन सा बोन है बेटा कॉम्पैक्ट बोन जैसे पूरा मतलब बोन रिवाइज हो जाता है ये तुम्हारे अंदर के स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करता है विसरा विसरा मतलब वाइटल ऑर्गेन्स रिमेंबर जैसे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है तुम्हारा रिप केज है ना सो so, विसरा इंपॉर्टेंट डेलिकेट ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है बोन का वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्टोरेज ऑफ कैल्शियम उसके मैट्रिक्स में इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ

टू जीरो सिक्स बोन्स होते हैं एंडोस्केलेटन बनाता है ठीक है फिर तुम बोन की स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो जब तुम स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो तब तुम किसके बारे में बात करते हो तुम कवरिंग्स के बारे में बात करते हो फिर उसके बाद तुम क्या बात करते हो बेटा येस यू टॉक अबाउट दैट थ्री कॉम्पोनेंट सेल्स फाइबर्स एंड मैट्रिक्स के बारे में बात करते हो ठीक है रिफर टू द अबाउ चार्ट फिर हमने किए टाइप्स ऑफ बोन्स जहां पे हमने किया स्पॉजी बोन कॉम्पैक्ट बोन है ना टाइप्स के पहले हमने एक और चीज की थी कौन सी की थी पार्ट्स ऑफ बोन पार्ट्स में हमने क्या किया एपीफाइसिस थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ टाइप्स के पहले ऐसे लिख देती हूँ पार्ट्स ऑफ बोन स्ट्रक्चर के बाद एपीफाइसिस एंड डाइफाइसिस की बात की एंड फिर टाइप्स इट्स ऑलमोस्ट को रिलेटेड टाइप्स ऑफ बोन्स टाइप्स ऑफ बोन ठीक है टाइप्स में हमने क्या किया स्पॉजी एंड कॉम्पैक्ट बोन फिर हमने दोनों की हिस्टोलॉजी डिफाइन की हिस्टोलॉजी स्पॉन्जी बोन की अगर मैं हिस्टोलॉजी डिफाइन करने जाऊं तो मुझे किसके बारे में बात करना है स्मॉल पीसेस ऑफ द बोन्स है ना जिसको हमने बोला ट्राइबिक्यूल और कॉम्पैक्ट बोन में हमें किसके बारे में बात करनी है हेवर सिस्टम सिस्टम अगर, अगर शॉर्ट में अगर याद करना है तो बहुत ईजी है system is equal to, यहां पे मैंने देखो अच्छे से उसको ये किया हुआ है इज इक्वल टू हैवरशाइन सिस्टम इज इक्वल टू हेवरशाइन केनाल कॉन्सेंट्रेट लैमिले ओके यू हैव ऑस्टोसाइड्स इन द लैक्यूने एंड कैनाल इक् वॉल्स वॉल्कमेन्स कैनाल जो है वो दो हैवरशाइन सिस्टम को कनेक्ट करते हैं आई वुड रिकमेंड यू गो थ्रू द पी डी एफ ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो वेरी नाइजली बहुत अच्छे से डायग्राम्स को समझो देखो सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से लिखी हुई हैं ओके एंड सॉल्व द एम सी क्यूज राइट अवे इमीजिएटली सो दैट इट वुड बी यूजफुल टू यू कमिंग टू एन सी आर टी एनसीआर टी डिस्क्राइब्स इट लिटल इन वेरी मच ब्रीफ इट इज़ हार्ड एंड नॉन प्लाइबल टिश्यू

बोन्स के फंक्शंस में जो हमने किया क्या किया हमने बेटा बोन्स के फंक्शन में येस इट्स सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स अ सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन्स बोन के सेल्स को हमने क्या बोल दिया ऑस्टियोसाइट so, तो 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 समझना है तो हेवरशाइन सिस्टम को समझना पड़ेगा ठीक है लिम बोन्स लिम बोन्स मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं वॉट आर वी टॉकिंग टॉकिंग अबाउट लॉन्ग बोन्स सच एज लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग्स दे हैव वेट बेरिंग फंक्शन

yellow stores fat and red bone marrow is responsible for the production of blood cells so that's all about bone that you should know blood i told you see it they have written that you're going to see it in chapter 17 and 18 in more detail and that is why we are also going to do that time only sirf a chart dungi chart. wo chart में इस ब्लड के सारी बेसिक आइडिया है मतलब ब्लड के कॉम्पोनेंट्स हैं वो भी बहुत ब्रीफ में उतना भी ये चैप्टर के लिए याद रख लो और उतने ही एम करो ब्लड से रिलेटेड ये चैप्टर में क्योंकि ब्लड इन डिटेल तुम्हें सर्कुलेशन में आ ही जाएगा तब तुम ब्लड से रिलेटेड सारे एम सॉल्व कर लोगे इंक्लूडिंग ब्लड ग्रुप्स वगैरह सब कुछ ठीक है सो आई एम अगेन रिपीटिंग दिस एन जो मार्किंग्स मैंने अभी की है जो तुम्हें दिख रही है स्क्रीन पे इसका पीडीएफ प्लस यहाँ पे जो जो चीजें मैंने लिखी हुई है जो भी नोट्स मैंने यहाँ पे बनाए ड्यूरिंग द लेक्चर ये एज इट इज पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करने मिलेगा इन माय टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है सो ज्वाइन इट लर्न इट एंजॉय इट एंड सॉल्व सॉल दिक्यूज एंड देन जस्ट Keep revising and revising. This much is more than enough. I assure you the success. Okay? Take care, everyone. Thank you.